हेलो स्टूडेंट्स टुडे आवर टॉपिक इज़ मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम ये समझते हैं कि मैटर एक्चुअली होता क्या है एनीथिंग और एवरीथिंग थिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ अ मास इज़ कॉल्ड मैटर हमारे आसपास कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी ऐसी वस्तु जो कुछ स्पेस लेती है और उसका कुछ मास होता है उसे हम क्या बोलते हैं मैटर इसके बाद हमें इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूट मैटर जो भी मैटर है हमारे आसपास चाहे वो किसी भी तरह का मैटर है वो किस चीज़ से बना है उसके बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स के साथ बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो मिल क्या बनाते हैं मैटर एक डेफिनेशन है मैटर इज़ नॉट कॉन्टीन्यूस एंड इज़ पर्टिकुलर इन नेचर दैट इज़ इट इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स मैटर जो है वो कोई एक चीज़ नहीं है बल्कि ये छोटी छोटी चीज़ों से बनी है दैट इज़ कॉल्ड पार्टिकल्स पार्टिकल्स से मिल के क्या बनाए मैटर To understand this, we have an activity. This uh, activity, In order to illustrate the pa uh, particle nature of matter, take some water in the glass beaker. To this, add one spoon of some salt, that is sodium chloride, normal salt, hota hai, and stir with the glass rod. What will you observe? The salt will, will dissolve in water and uh, there will not be any change in the level of the solution thus formed. What does this show? It indicates that there are some vacant spaces among the particles of water. These are known as interparticle spaces. The particles of salt have occupied some of these. इस एक्सपेरिमेंट की एक्टिविटी में इन्होंने क्या किया कि एक बीकर लिया उसके अंदर कुछ वाटर लिया उस वाटर के अंदर वन स्पून सॉल्ट ऐड किया सॉल्ट जब ऐड किया उसको मिक्स किया तो ये ऑब्जर्वेशन हुई कि सॉल्ट तो सारा मिक्स हो गया लेकिन लेवल ऑफ वाटर बिल्कुल भी नहीं बढ़ा तो फिर जो सॉल्ट था वो कहाँ गया वो जो सॉल्ट था अब सॉल्ट जो है वो भी एक मैटर है उसके भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं तो वो जो पार्टिकल्स हैं वो वाटर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो गए अब मिक्स कहाँ पे हुए जो वाटर है उसके पार्टिकल्स uh, के बीच में कहीं खाली स्पेस है जिसे हम बोलते हैं इंटर पार्टिकल स्पेस जो सॉल्ट है वो वाटर के उन पार्टिकल्स के बीच में जो खाली स्पेस है उसके अंदर जाके फिक्स हो गया तो उसके साथ मिल गया तो इसीलिए जो वॉल्यूम ऑफ द जो लेवल लेवल ऑफ द सॉल्यूशन है वो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि जो मैटर uh, है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ is, है नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ पार्टिकल साइज़ इज एक्सट्रीमली स्मॉल नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स की कि जो पार्टिकल्स का साइज़ होता है वो बहुत ही छोटा होता है uh, इसके लिए एक सिंपल एक्टिविटी हम कर सकते हैं एक्टिविटी देखिए इन ऑर्डर टू डेमोन्स्ट्रेट द पार्टिकल साइज़ एंड द नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन अ मैटर Put a few crystals of potassium permanganate, that is purple in color, in water taken in a glass cylinder. The color of the solution will be very dark. Now transfer a portion of this solution into another cylinder and fill it with the water. The intensity of the purple color will somewhat decrease. Repeat this experiment three or four times. It is surprising to note that the purple color of the solution will not. ऑल टूगेदर डिसअपियन एंड सम कलर विल ऑलवेज प्रिसिस्ट इवन वैन द सोल्यूशन इज़ वेरी डिल्यूट देखिए आपको क्या करना है कि एक बीकर सबसे पहले लेना है जिसमें आपको आ, वाटर लेना है उसके अंदर आप थोड़ा सा सोल्यूशन डालेंगे कौन सा पोटेशियम पर मैगनेट पोटेशियम पर मैगनेट जो होता है वो पर्पल कलर का होता है ऑब्वियसली जब हम उसे ऐड करेंगे तो जो सोल्यूशन है वो क्या हो जाएगा पर्पल कलर का हो जाएगा अब फर्स्ट बीकर जो इस डाइग्राम के अंदर भी है जहाँ पे वेरी डार्क लिखा है इसमें से थोड़ा सा सोल्यूशन सैम्पल के तौर पर लेना है और उसे एक और बीकर जिसके अंदर साफ़ पानी या वाटर है उसके अंदर डाल देना है आप देखेंगे कि उसका कलर भी पर्पल हो जाएगा उसके बाद आपने क्या करना है जो सेकंड वाला जिस पे है जिस पर लाइट लिखा है वहाँ से सैंपल लेना है और थर्ड में डाल देना है थर्ड से लेना है और फोर्थ में डाल देना है तो इस तरह से जब आप करते जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि जो पर्पल कलर है वो कहीं डिसअपियर नहीं हो रहा हर बीकर uh, के अंदर जो सोल्यूशन है उसका जो कलर है वो पर्पल ही रह रहा है दैट मीन्स हर बीकर के अंदर जो पोटेशियम परमैग्नेट मैगनेट है उसके कुछ ना कुछ पार्टिकल्स हर सोल्यूशन के अंदर जा रहे हैं राइट right? तो इस चीज़ को ये प्रूव करता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी पार्टिकल्स आर इन अ स्टेट ऑफ मोशन देखिए जो मैटर है वो पार्टिकल्स uh, का बना हुआ है और एक थ्योरी uh, है या एक uh, सच्चाई है कि जो पार्टिकल्स हैं uh, वो हमेशा स्टेट ऑफ मोशन के अंदर होते हैं हमारे पास थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर हैं यू एज यू नो सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस चाहे वो कोई भी मैटर है चाहे वो सॉलिड है चाहे वो लिक्विड है या फिर वो गैस है सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं उन मैटर्स के अंदर वो मोशन के अंदर ही होते हैं इसके लिए एक एक्टिविटी आपको बता सकते हैं देखिए आफ्टर टेकिंग बाथ इन द मॉर्निंग गो टू अ टेम्पल यू विल फाइंड अगरबत्ती स्टिक्स दैट इज़ इंसेंस स्टिक्स बोलते हैं

जब उसको बर्न करते हैं तो उसकी फ्रेगरेंस जो है वो बड़ी जल्दी स्प्रेड हो जाती है और आप डिस्टेंस पे भी हो चाहे तब भी आपको उसकी जो फ्रेगरेंस है वो आप आप उसे यू नो स्मेल कर सकते हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है बिकॉज़ जो पार्टिकल्स हैं वहाँ पे उस गैस के पर्टिकुलरली वो बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाते हैं यानी कि वो स्टेट ऑफ मोशन के अंदर होते हैं तभी वो स्प्रेड हो पा रहे हैं और डिस्टेंस पर भी आप उसे स्मेल कर पा रहे हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन कीप द पार्टिकल्स क्लोज इसको समझाने के लिए uh, पहले ये समझना ज़रूरी है कि जो मैटर है वो तीन तरह का होता है सॉलिड लिक्विड एंड गैस सॉलिड्स के अंदर जो एज यू नो के पार्टिकल्स जो अपने आप को स्ट्रोंगली बाउंड करके रखते हैं बिकॉज uh, उनका जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा होती है लिक्विड्स के अंदर जो इंटर पार्टिकल एट्रैक्शन है वो थोड़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू द सॉलिड्स लेकिन जो गैसेस हैं उसके अंदर इंटर पार्टिकल स्पेस काफ़ी सॉरी इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन जो है वो काफ़ी कम होती है एज कम्पेयर टू बहुत सॉलिड्स एज वेल एज लिक्विड्स इसके बारे में पढ़ते हैं द पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस हैव सर्टेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दम दिस कीप्स द पार्टिकल्स टुगेदर the magnitude of the force of attraction depends upon the nature of particles which constitute a matter it also depends upon the interparticle space for example the attraction is maximum in the solid state of matter because the particles are very closely packed it is less in liquid state of matter and is the least in the gaseous state here the particles are far separated and the interparticle spaces are the maximum इस चैप्टर में आपको सिर्फ दो ही चीज़ों का ध्यान रखना है इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन और इंटर पार्टिकल फोर्सेस अगर ये दो चीज़ें आप समझ पाते हैं कि इंटर पार्टिकल एट्रैक्शन क्या होती हैं या फोर्सेस क्या होती हैं और इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होता है तो यही चैप्टर बहुत आसानी से आप क्लियर कर सकते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी भी पढ़ते हैं इन ऑर्डर टू एलिस्ट्रेट दैट द इंटर पार्टिकल एट्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मैटर टेक अ पीस ऑफ चॉक अ स्मॉल पीस ऑफ ब्रिक एंड एन आयरन नेल beat them separately with the hammer what do you observe it is very easy to break the chalk into the smaller uh, small pieces difficult to break brick and extremely difficult to convert iron nails into the pieces this clearly shows that the attractive forces are least in the particle of chalk more in case of brick while these forces are the maximum in the iron particles which constitute the nail इस एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी में आपने ये सीखा कि चौक के केस के अंदर जब हम चौक के केस को हैमर के साथ तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो बड़े आसानी से वो टूट जाता है ब्रिक के केस के अंदर थोड़ी मुश्किल होती है उसको तोड़ने में हैमर के साथ लेकिन अगर आप आयरन नेल को तोड़ने की कोशिश करें वो यू uh, नो you know, लगभग पॉसिबल नहीं हो पाता बिकॉज बहुत ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होती है ऐसा हो क्यों रहा है क्यों क्योंकि चाक जो चौक है उसके पार्टिकल्स के अंदर जो अट्रैक्शन है वो थोड़ी कम है ब्रिक के जो पार्टिकल्स हैं उसमें एज़ कम्पेयर टू द चॉक थोड़े ज़्यादा है इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन और जो थर्ड है दैट इज़ आयरन नेल उसके अंदर जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा है और नेक्स्ट टॉपिक इज़ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन पार्टिकल मोशन अभी हमने ये पढ़ा कि पार्टिकल जो है मैटर के अंदर वो मोशन कर रहे होते हैं जो इंसेंस इंसेंसटिक वाली एग्जाम्पल या एक्टिविटी आपने अभी समझी थी उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो पार्टिकल्स हैं वो स्टेट ऑफ मोशन के अंदर होते हैं तो uh, क्या टेम्परेचर का कोई इफेक्ट होता है इसके पार्टिकल मोशन पे पार्टिकल मोशन ऑलवेज विद द राइज इन टेम्परेचर पार्टिकल मोशन जो है वो बढ़ जाता है टेम्परेचर के बढ़ जाने से अपॉन हीटिंग द कैनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेज दिस लीड्स टू इंक्रीज इन देयर मोशन और डिफ्यूजन फंडामेंटल इसमें प्रैक्टिस क्या है कि जो पार्टिकल uh, का जो मोशन है वो बढ़ जाएगा टेम्परेचर की वजह से ऐसा क्यों हो रहा है देखिए जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा इट मींस के uh, जो हीट एनर्जी है वो कहीं ना कहीं किसी एनर्जी में कन्वर्ट होगी तो हीट एनर्जी जो है पार्टिकल्स के कैनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है तो कैनैटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने की वजह से जो पार्टिकल्स का मोशन है वो और तेज़ हो जाता है इसके लिए एक्टिविटी है टेक सम वाटर एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर इन अ ग्लास पीकर In another beaker, take equal volume of hot water. Now put a few crystals of blue crystal of copper sulfate in both of them. What, uh, what will happen? The blue color will spread more quickly in hot water as compared to the water and at ordinary temperature. This clearly shows that the particle motion increases with the rise in temperature. Actually, the particle motion is directly linked with the kinetic energy, which increases with rise in temperature as the temperature increases. सो इज़ द पार्टिकल मोशन इस एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी में इन्होंने क्या किया कि दो बीकर्स लिए एक बीकर के अंदर जो है वो नॉर्मल वाटर ऐड किया और जो सेकेंड बीकर है उसके अंदर जो है हॉट वाटर ऐड किया तो उसके बाद दोनों के दोनों बीकर्स के अंदर उन्होंने थोड़ा सा कॉपर सल्फेट ब्लू क्रिस्टल होता है दोनों में डाला तो ऑब्ज़र्वेशन ये हुई कि जो हॉट वाटर वाला बीकर था उसमें कॉपर सल्फेट जो है वो बहुत जल्दी से फैलने लगा ब्लू कलर लेकिन जो नॉर्मल वाटर था उसके अंदर जो ब्लू कलर है कॉपर सल्फेट का वो नहीं जल्दी से आ रहा था इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से जो पार्टिकल मोशन है हॉट वाटर के जो बीकर था हॉट वाटर वाला उसके अंदर जल्दी या तेज़ हो गया राइट सो नाउ द इम्पोर्टेंट करेक्ट्रिस्टिक्स ऑफ पर्टिकुलर नेचर ऑफ मैटर में बी समड अप एज फॉलोस अभी तक जो हमने पढ़ा है उसको आप समडअप समअप करते हैं कैसे नंबर वन एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स हर तरह का मैटर जो है वो पार्टिकल्स के साथ बना है सेकेंड द पार्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मैटर आर वेरी स्मॉल इन साइज जिन पार्टिकल्स के साथ मैटर बना है वो पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है द पार्टिकल्स हैव एम्पटी और वेकेंट स्पेस इन दैम नोन एज इंटर पार्टिकल स्पेस ये जो पार्टिकल्स हैं जिस जिनके साथ मैटर बनता है इन पार्टिकल्स के इन बिटवीन uh, कुछ स्पेस होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं इंटर पार्टिकल स्पेस फोर्थ पार्टिकल्स आर नॉट स्टेशनरी एंड आर इन अटेट ऑफ मोशन जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्टेशनरी नहीं होते जबकि ये किसमें होते हैं स्टेट ऑफ मोशन के अंदर हमेशा फिफ्थ एट्रैक्टिव फोर्सेज आर प्रेजेंट इन द पार्टिकल्स ऑफ सबस्टेंस दीज आर कॉल्ड इंटर पार्टिकल फोर्सेज जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स में आपस में अट्रैक्टिव फोर्सेज हो फोर्सेज होती हैं चाहे वो कोई भी सब्सटेंस हो तो ये जो फोर्सेज हैं इन्हें क्या बोलते हैं इंटर पार्टिकल फोर्सेज नंबर सिक्स द पार्टिकल मोशन इंक्रीजेज विद द राइज इन टेम्परेचर अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा दोगे तो पार्टिकल मोशन भी बढ़ जाएगा राइट right? uh, अब नेक्स्ट टॉपिक इज थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर ये हमने बहुत बार स्टडी किया आज से पहले भी कि जो मैटर की स्टेट्स हैं वो तीन तरह की होती हैं सॉलिड लिक्विड एंड गैस सबसे पहले अभी इस चैप्टर में हमें प्रॉपर्टीज पढ़नी है सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर की सो सॉलिड्स आर नोन फॉर दे हार्डनेस एंड रिजिड नेचर द इम्पोर्टेंट करेक्ट्रिस्टिक्स ऑफ सॉलिड आइए पढ़ते हैं नंबर वन सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप एज़ यू नो के जो सॉलिड्स होते हैं उनकी जो शेप होती है वो फ़िक्स होती है वो चेंज नहीं होती राइट right? आप इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं जो एक एक्सेप्शन होगी आप कहेंगे कि सर स्पंजेस हो स्पंज होती है जैसे आ, उसकी शेप तो चेंज हो जाती है वो तो सॉलिड होती है लेकिन आप ध्यान से देखिए अगर उसको तो इस एग्जांपल को तो जो स्पंज होती है उसके अंदर काफ़ी सारे होल्स होते हैं और उन होल्स के अंदर बहुत सारी एयर फिल होती है तो जब आप उसको प्रेस करते हैं या किसी भी तरह से उसकी शेप चेंज करने की कोशिश करते हैं तो